यूपी के रामपुर से खबर है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने पीड़ित किसानों के साथ मिलकर केमरी मार्ग को बाधित कर दिया। रविवार रात्रि को नहरों में अचानक पानी छोड़ दिया गया। ग्राम पहाड़ी में अफजलपुर माइनर नहर कई जगह से कट गई, जिस कारण ग्राम पहाड़ी तथा अफजलपुर पट्टी के बहुत से किसानों की सैकड़ों एकड़ मटर गेहूं आदि फसलें जल भराव के चलते पूरी तरह तबाह हो गई। भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को फोन पर अवगत कराना चाहा, जहां कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर आक्रोशित किसानों ने रामपुर कैमरी मार्ग बाधित कर दिया, जो कि लगभग 1.5 घंटा बाधित रहा। जाम की सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर अनुज कुमार चौधरी तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स लव कुमार सिरोही तुरंत मौके पर पहुंच गए। क्षेत्राधिकारी नगर ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और उप जिलाधिकारी सदस्य मामले में बात की, जिन्होंने एक सप्ताह में किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि अगर एक सप्ताह में किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया जाता और दोषी ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता अधिशासी अभियंता नहर खंड रामपुर कार्यालय का घेराव करेगी। मानक के अनुरूप नहरों की सफाई नहीं होती, जिसकी वजह से किसानों को टाइम तक पानी नहीं मिल पाता। और बड़ी नहरों में तो थोड़ी बहुत सफाई हो भी जाती है, लेकिन जो माइनर नहर है उनकी सफाई सही करके नहीं हो पाती। जैसे कि अभी हम कई बार इसमें किसान दिवस या सिंचाई बंधु की बैठक या दिशाती अभियंता नहर खंड रामपुर से कई बार मिलने के बाद में हमने उनको स्थिति से अवगत भी कराया कि नहरों की सफाई सही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो अधिशासी अभियंता नहरखंड रामपुर ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और जब नहरों में पानी आ जाए तब बात करना कि अगर कोई समस्या हो तो बताना। लेकिन ठेकेदारों द्वारा जो है नहर की सफाई सही नहीं कराई गई और अफजलपुर माइनर नहर की सफाई सही ना होने की वजह से जैसे ही उसमें पानी छोड़ा गया तो नहर हर 100 मीटर लाई मसूर ये सब बिल्कुल बर्बाद हो गई। फिर हमने जो था अधिशासी अभियंता नहरखंड रामपुर से जब फोन पर वार्ता की तो उन्होंने हमें कोई आश्वासन देने के बजाय उन्होंने ये कहा कि नहरों में तो पानी ही छोड़ा जाएगा। तो नहरों में पानी छोड़ा जाएगा उसकी सफाई सही करके करा नहीं सकते आप, तो आपको ऐसे अधिकारी को पद पर भी रहने का मेरे ख्याल से कोई अधिकार नहीं है, जो किसानों की समस्याओं को समाधान करने के बजाय उनका सुनने तक क्यों